सारे भाइयों मेरा राम राम। मैं हूं नील किशन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो। आज की वीडियो अपनी एक स्पेशल राइड पे है। हम वहीं जा रहे हैं जहां से पहले 2-3 महीने पहले हम गए थे और वहां से हमें यू टर्न लेना पड़ा, तो उस राइड को हम कंप्लीट करेंगे। अभी हम हैं KMP के ऊपर, KMP पार करते ही फिर हम CNG डलवाएंगे, उसके बाद हम UP में एंट्री कर जाएंगे। एक गाड़ी और जा रही है हमारे साथ, वो भी नांगलोई से दिल्ली से चली है और मुजफ्फरनगर मिलेंगे हम। तो चलो आप भी साथ में। तो भाई CNG भी डलवा लिया है, पेट्रोल भी डलवा लिया है और अब अपनी POC सर्टिफिकेट भी ले रहे हैं, वो भी कंप्लीट करवा लेते हैं। और गाड़ी के टायर होगा, एयर प्रेशर भी चेक करवा लिया, वो भी ओके है। एक टायर में कम था, वो भी हो गया ओके और अब निकलते हैं। देखो भाई UP में धूल ऐसा रोड मिल गया भाई, आगे दो गाड़ी क्या दे कुछ दिख नहीं रहा है, कितनी दूर उड़ रही है। भाई मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं और दूसरी गाड़ी की वेटिंग चल रही है, वे अभी तक मेरठ भी क्रॉस नहीं कर लिया है, तो हम काफ़ी पहले आ गए और वो काफ़ी लेट हो गए हैं, तो हम थोड़ा स्लो स्पीड में चल रहे हैं 40 या 50 की और कर लेंगे वे कवर हमें। तब तक हम चलते हैं थोड़ा थोड़ा आगे, पहुँचते हैं हरिद्वार की तरफ। तो भाई अभी मुजफ्फरनगर से 20 किलोमीटर आगे रुके हैं, छापर गांव है यहाँ रुके हैं एक ढाबे पे, और अभी तक हमारी जो दूसरी गाड़ी थी वो आई नहीं है, उसी का वेट हो रहा है। उसके बाद कुछ खाना खाएंगे, उसके बाद आगे पहुँचेंगे। हम वेट कर रहे हैं इधर बैठ के। ये कुछ वैष्णो ढाबा है, इसी पे वेट चल रहा है अपना। दिल्ली से आ चुके हम अपने घर से तकरीबन 140 से ज़्यादा किलोमीटर कर लिए है और पहला स्टॉप अभी लिया है। ये भाई अपनी ऑल्टो रेस्ट मोड पे है और ये रोड की जाता है, रोड सीधा मुजफ्फरनगर से और यहाँ चल रही है फेसबुक। तो भाई खाना खा लिया, काफी 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लिया और अब चल पड़े हैं ऋषिकेश की तरफ। काफी लेट हो गया है, अभी टाइम हुआ है तकरीबन 9:15 और एक दाना निकल गया है, दर्द हो रहा है। और अपनी गाड़ी में आ गया काई, राज्य हो रहा बहुत। हम भी चलते हैं।
तो भाई हरिद्वार पहुंच चुके हैं और सीएनजी पंप पे हैं, यहाँ से सीएनजी फिल कराएंगे, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे ऋषिकेश। घर की बॉडी पे है फोटो खींच रही क्या बड़ी है गड्डी अरे अपनी ऑल्टो भाई दर्शन कर लो भाई। भाई टाइम हुआ है अभी रात के 12:15 और हम पहुंच चुके हैं तपोवन। हवा इतनी तेज चल रही है यहाँ, बिल्कुल ठंड लग रही है और रूम भी ले लिया हमने। अभी गाड़ी को लगाएंगे पार्किंग में, रूम दिखाते हैं आपको। रूम तो भी भाई वो सिंटा भाई की तड़के गिरा बराम, तो भाई ठंड इतनी बढ़ चुकी है तो कंबल ओढ़ना पड़ रहा है। काफी तेज हवा चल रही है और अभी टाइम हुआ है सुबह के 5:30, हमें निकलना था 4:30 बजे केदारनाथ के लिए, लेकिन सोए थे लेट, 2 बज गए थे सोते सोते, तो लेट हो गए, लेट सोए तो लेट उठे, तो अभी सब नहा धो के रेडी होंगे उसके बाद निकलेंगे आगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाएंगे। तब तक मिलते हैं आगे कोई अच्छी सी वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में बताए आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं आगे, ज़्यादा गाना हो रहा है, संटे बंद कर दे बंद कैमरा।